हाँ भाई देखिए अपनी चित्रकला चल रही थी भाई, तो ध्यान दो चित्रकला में। देखो आज अपन पढ़ेंगे भाई भाई चित्रकला में ध्यान दो भाई। आज तीसरे नंबर की जो स्कूल है वो है हाड़ोती स्कूल। कौन सी स्कूल भाई? हाड़ोती स्कूल। और देखिए इस हाड़ोती स्कूल में अपन पढ़ेंगे भाई नंबर एक पे कोटा चित्रशैली। कौन चित्रशैली भाई? कोटा चित्रशैली। तो देखिए इस कोटा चित्रशैली को विकसित करने का श्रेय महाराव राम सिंह को जाता है। किसको जाता है भाई? महाराव राम सिंह को जाता है। अरे कोटा चित्रशैली को विकसित करने का श्रेय किसको जाता है भाई? महाराव राम सिंह को जाता है। अच्छा दूसरी बात देखिए भाई ध्यान दो। देखिए ध्यान दीजिए भाई कोटा चित्रशैली को विकसित करने का श्रेय महाराव राम सिंह को जाता है। इस कोटा चित्रशैली पर वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव पड़ा है भाई। कौन संप्रदाय का प्रभाव पड़ा इस पर है? वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव पड़ा। कौन चित्रशैली पर है? कोटा चित्रशैली पर है। और देखिए इस कोटा चित्रशैली की विशेषता क्या है? देखो भाई दरबारी दृश्य दरबारी जुलूस कुश्ती करते हुए दंगल और बहुत इंपॉर्टेंट है भाई शिकारी दृश्य शिकार करती हुई महिलाएं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है शिकारी दृश्य कौन चित्रशैली दर्शाया गया है? तो क्या आंसर दोगे? कोटा चित्रशैली में। कौन चित्रशैली दर्शाया गया है? कोटा चित्रशैली में दर्शाया गया है। क्लियर भाई लाइन है? ओके अच्छा अब देखिए आगे क्या होता है ध्यान दो भाई। अरे कोटा चित्रशैली के प्रमुख चित्रकार इसमें एक और जोड़ दो भाई आप चाहो तो। कदम के वृक्ष के नीचे बैठा हुआ सिंह और घनघोर घटाएं। चलो दोबारा देखो। देखिए भाई कोटा चित्रशैली को विकसित करने का श्रेय किसको जाता है? महाराव राम सिंह को जाता है। और इस चित्रशैली पर वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव पड़ा। और कोटा चित्रशैली की विशेषता दरबारी दृश्य दरबारी जुलूस कुश्ती करते हुए दंगल शिकार करती हुई महिलाएं कदम के वृक्ष के नीचे बैठा हुआ सिंह और घनघोर घटाएं। क्या भाई? घनघोर घटाएं। हाँ अब देखिए भाई ध्यान दो। प्रमुख चित्रकार क्या क्या है बताओ भाई? डाल पे नूर। तो इससे क्या निकलता है? डालूराम। कौन सा राम? डालूराम। लच्छूराम। नूर मोहम्मद रघुनाथ है। डालूराम लच्छूराम नूर मोहम्मद और रघुनाथ है। डालूराम लच्छूराम नूर मोहम्मद और रघुनाथ ये सबके सब कौन चित्रशैली के चित्रकार है बताओ भाई? कोटा चित्रशैली के चित्रकार है। तो दोबारा देखो एक बार कोटा चित्रशैली को विकसित करने का श्रेय किसको जाता है? महाराव राम सिंह को जाता है। और इस चित्रशैली में वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव देखने को मिलता है। विशेषता दरबारी दृश्य
दरबारी जुलूस, कुश्ती करते हुए दंगल, शिकार करती महिलाएं, कदम के वृक्ष के नीचे बैठा हुआ सिंह, घनघोर गठाए, ये सब कौन चित्रशैली दर्शाई गई है? कोटा चित्रशैली में। प्रमुख चित्रकार डालपे नूर, डालूराम मछुराम, नूर मोहम्मद और रघु नाथ है। फिर देखिए भाई दूसरे नंबर पाती इसमें बूंदी चित्रशैली, कौन चित्रशैली बोलो? बूंदी चित्रशैली, ये भी आड़ोती चित्रशैली, आड़ोती स्कूल के अंडर में आती है। तो देखो बूंदी चित्रशैली को विकसित करने का श्रेय, अरे बूंदी चित्रशैली को विकसित करने का श्रेय किसको जाता है भाई? सुजन सिंह हाडा को। है भाई किसको जाता है बोलो? सुजन सिंह हाडा को जाता है। हाँ विकसित करने का श्रेय सुजन सिंह हाडा को ही जाता है भाई। अच्छा दूसरी बात देखिए ध्यान दो, बूंदी चित्रशैली के श्रेष्ठ उदाहरण यानी अच्छे चित्र है, श्रेष्ठ उदाहरण उमेद सिंह के शासन काल के देखने के मिलते हैं। हाँ उमेद सिंह के शासन काल के देखने के मिलते हैं भाई। मिलते हैं हाँ। अच्छा इसके बाद भी देखिए भाई ध्यान दो आगे क्या होता है। देखो भाई अरे बूंदी चित्रशैली बोलो भाई, कौन चित्रशैली? बूंदी चित्रशैली में पशु पक्षियों को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। तो बताइए आप लोग कौन चित्रशैली में पशु पक्षियों को सर्वाधिक महत्व दिया गया है? बूंदी चित्रशैली में दिया गया है भाई। हाँ कौन चित्रशैली में? बूंदी चित्रशैली में पशु पक्षियों को सर्वाधिक महत्व दिया गया है भाई। अच्छा देखो इसकी विशेषता वही देखो भाई, नुकीली नाक, छोटा कद, मोटे गाल और लाल पीले रंग की प्रचुरता। लाल किले रंग की प्रचुरता और इसका एक प्रमुख चित्रकार, उसका नाम है रामलाल। क्या नाम है भाई? रामलाल। और सुनो देखो राजस्थानी चित्रकला, क्या भाई बोलो? राजस्थानी चित्रकला की विचारधारा, राजस्थानी चित्रकला की विचारधारा का आरंभिक केंद्र बूंदी चित्रशैली। कौन चित्रशैली भाई? बूंदी चित्र शैली को माना जाता है। हाँ अरे किसको माना जाता है? बूंदी चित्रशैली को माना जाता है। दोबारा देखो बूंदी चित्रशैली को विकसित करने का श्रेय किसको जाता है? सुजन सिंह हाड़ा को ही जाता है। बूंदी चित्रशैली के श्रेष्ठ उदाहरण अच्छे चित्र उमेद सिंह के शासन काल के देखने को मिलते हैं। बूंदी चित्रशैली पशु पक्षियों को सर्वाधिक महत्व दिया क्या है? विशेषता नुकीली नाक, छोटा कद, मोटे गाल, लाल पीले रंग की प्रचुरता। इसका प्रमुख चित्रकार रामलाल। और देखो राजस्थानी चित्रकला की विचारधारा का आरंभिक केंद्र कौन चित्रशैली को माना जाता है? बूंदी चित्रशैली को माना जाता है। तो देखो बूंदी चित्रशैली को विकसित करने का श्रेय किसको जाता है? सुजन सिंह हाडा को जाता है। इस चित्रशैली के श्रेष्ठ उदाहरण किसके शासन काल के देखने को मिलते हैं? उमेद सिंह के शासन काल के देखने को मिलते हैं। और बूंदी चित्रशैली पशु पक्षियों को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। विशेषता नुकीली नाक, छोटा कद, मोटे गाल, लाल पीले रंग की प्रचुरता। प्रमुख चित्रकार कौन है इसका? रामलाल। और राजस्थानी चित्रकला विचारधारा का आरंभिक केंद्र किसको माना जाता है? बूंदी चित्रशैली को माना जाता है भाई। ठीक है ओके। अब देखिए भाई आगे क्या होता है। चौथे नंबर पे आती है ढूंढाड स्कूल, कौन सी स्कूल भाई? ढूंढाड स्कूल। ढूंढाड स्कूल में देखो नंबर एक पे आती है आमेर चित्रशैली, कौन चित्रशैली भाई? आमेर चित्र शैली। तो ध्यान दो भाई इसके बारे में, ऐसे ही सुन लो, कोई ज्यादा खास नहीं है।
अरे आमेर चित्रशैली को विकसित करने का श्रेय मानसिंह राठौड़ को जाता है। किसको जाता है भाई? विकसित करने का श्रेय मानसिंह राठौड़ को जाता है, लेकिन इसका स्वर्ण काल स्वाई प्रताप सिंह के शासनकाल को कहा जाता है। तो बताओ भाई, आमेर चित्रशैली का स्वर्ण काल किसके शासनकाल को कहते हैं? स्वाई प्रताप सिंह के शासनकाल को कहते हैं। दूसरी बात ध्यान दो, आमेर चित्रशैली पर मुगल शैली का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। तो आप लोग दोबारा बताओ, आप लोग लिख लेना भाई रोक रोक के, मुगल शैली का सर्वाधिक प्रभाव कौन चित्र शैली पर पड़ा? आमेर चित्र शैली पर। और मुगल की अधीनता स्वीकार, मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाली पहली रियासत कौन सी थी? आमेर ही तो थी। कौन सी थी? आमेर थी भाई। हाँ, अब देखिए भाई ध्यान दो, तो मुगल शैली का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा और इस चित्र शैली की विशेषता वही दरबारी दृश्य, दरबारी जुलूस, कुश्ती करते हुए दंगल इसमें भी है, सॉरी कुश्ती करते हुए हाथी, लैला मजनू के चित्र, कुरान पढ़ती हुई महिलाएं, भीख डालती हुई महिलाएं, ये सब कौन चित्रशैली में दर्शाया गया है बताओ? ये सब ध्यान दो भाई, देखो आमेर चित्रशैली में दर्शाया गया है। कौन चित्रशैली में दर्शाया गया है? आमेर। एक बार दोबारा ध्यान दो, आमेर चित्रशैली कौन चित्रशैली भाई? आमेर चित्रशैली को विकसित करने का श्रेय किसको जाता है बताओ भाई? सुरजन सिंह, ओ सॉरी, विकसित करने का श्रेय मानसिंह फर्स्ट को जाता है। स्वर्ण काल स्वाई प्रताप सिंह के शासनकाल कहते हैं। इस चित्रशैली पर मुगल शैली का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा, एक लाइन लिख लेना। विशेषता दरबारी दृश्य, दरबारी जुलूस, कुश्ती करते हुए हाथी, लैला मजनू के चित्र, कुरान पढ़ती हुई महिलाएं, भीख डालती हुई महिलाएं इस चित्रशैली में दर्शाई गई है। और ध्यान दो, इंडिया का शासक था ईश्वरी सिंह। क्या नाम था? ईश्वरी सिंह था। इस ईश्वरी सिंह का आदमकद चित्र, आदमकद चित्र बोलो किसने बनाया? साहिद राम ने बनाया। बोलो भाई किसने बनाया? किसने बनाया भाई? साहिद राम ने बनाया। तो साहिद राम कौन चित्रशैली का चित्रकार है बताओ भाई? कौन चित्रशैली का चित्रकार है? ढूंढाड़ चित्र, सॉरी आमेर चित्रशैली का चित्रकार है भाई ये। कौन? साहिब राम। साहिब राम कौन चित्रशैली का चित्रकार है? आमेर चित्रशैली का चित्रकार है। ईश्वरी सिंह का आदमगद का मतलब होगा एडी से लेकर चोटी तक चित्र बनाया भाई इसने। फिर देखो नंबर दो पे आती इसमें अलवर चित्रशैली। कौन चित्रशैली बोलो? अलवर चित्र शैली। समझ गए ना भाई? अलवर चित्रशैली को विकसित करने का या इसका स्वर्ण काल किसके शासनकाल को कहते हैं? विनय सिंह। किसके शासनकाल को कहते हैं? विनय सिंह के शासनकाल को कहते हैं। अरे भाई किसके शासनकाल को कहते हैं बोलो? विनय सिंह के शासनकाल को कहते हैं। ठीक है भाई। हाँ फिर देखिए भाई ध्यान दो, ये जो अलवर चित्रशैली है कौन चित्रशैली भाई? अलवर चित्रशैली है। इसकी जो विशेषता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है बोलो? जैसे वन उपवन, वन उपवन, कुंज विहार, वन उपवन, कुंज विहार, बाग बगीचे। अरे वन उपवन, कुंज विहार, बाग बगीचे, लेलम सॉरी बाग बगीचे, नृत्य करती हुई राग रागनिया, नृत्य करती हुई राग रागनिया। समझ रहे हैं भाई आप लोग? हाँ तो देखो भाई, नृत्य करती हुई राग रागनिया और अश्लील वेश्यों के चित्र दर्शाए गए हैं। अश्लील वेश्यों के चित्र दर्शाए गए हैं। दोबारा देखो भाई, अलवर चित्रशैली का स्वर्ण काल विनय सिंह के शासन काल को कहते हैं भाई। विशेषता वन उपवन, कुंज विहार, बाग बगीचे, बाग बगीचे, नृत्य करती हुई राग रागिनी और अश्लील चित्र दर्शाए गए हैं। और महलों के चित्र भी है भाई इसमें। किसके चित्र है बोलो? महलों के चित्र है। समझ गए ना भाई? हाँ
और इसका एक प्रमुख चित्रकार है, उसका नाम है नानग्राम। क्या नाम है? नानग्राम। समझ रहे ना भाई? नानग्राम कौन चित्रशैली का चित्रकार है? अलवर चित्रशैली का चित्रकार है भाई। ओके, अब देखिए भाई ध्यान दो आगे क्या होता है। देखो जैसे आपसे एग्जाम में पूछा जाए मंडावा, अरे मंडावा कहाँ है? झुंझुनू में। मंडावा कहाँ है बोलो? झुंझुनू में। ये मंडावा क्यों प्रसिद्ध है? भित्ति चित्रों के लिए। बोलो भाई क्यों प्रसिद्ध है? भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। अरे मंडावा क्यों प्रसिद्ध है बोलो? भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है भाई। क्या चीज बोलो? मंडावा। अरे मंडावा क्यों प्रसिद्ध है? भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है भाई। ओके, दूसरी बात देखो ध्यान दो भाई। शेखावाटी की हवेलियां, क्या भाई? शेखावाटी की हवेलियां ध्यान दो भाई, सोने की जड़ाई के लिए, सोने चांदी जड़ाई के लिए प्रसिद्ध है भाई। अच्छा दूसरी बात ध्यान दो, ये मैनसर कौन सा भाई? मैनसर। मैनसर कहाँ है? झुंझुनू में। मैनसर कहाँ है बोलो? झुंझुनू में। अरे मैनसर की हवेली को सोने चांदी की दुकान कहते हैं। बोलो मैनसर की हवेली को क्या कहते हैं? सोने चांदी की दुकान कहते हैं भाई, मैनसर की हवेली को। ठीक है भाई। हाँ दूसरी बात ध्यान दो भाई, किसी कपड़े पर चित्र बनाते हैं तो वो तो ध्यान दो भाई, एक तरह से ध्यान दो भाई, कपड़े के ऊपर चित्र बनाते हैं तो एक तरह से फड़ कहलाती है। क्या कहलाती है? फड़। और किसी कागज के ऊपर चित्र बनाते हैं तो वो पाना कहलाता है, पाने कहलाते हैं। जैसे अपन कई का लक्ष्मी जी का पाना लेके आते हैं ना। हाँ, और शरीर के ऊपर कुछ अपन लिखवा लेते हैं या कुछ चित्र बनवा लेते हैं, उसे गोदना कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? चित्री बनवा लेते हैं कई लोग, उसे क्या कहते हैं? गोदना कहते हैं। और दूसरी बात ध्यान दो, एक चीज वैसे नोट कर लेना, चित्रकला की क्या है कुछ पद्धतियां, जैसे प्रेस को या आला गीला, प्रेस को या आला गीला, समझ रहे हो आप लोग? देखे भाई प्रेस को या आला गीला, कौन सा भाई? प्रेस को या आला गीला। देखो अरे प्रेस को या आला गीला क्या है बताओ भाई? अरे ये ध्यान दो भाई, कोई नई दीवार के ऊपर चित्र बनाते हैं, फ्रेश दीवार के ऊपर चित्र बनाते हैं तो प्रेस को या आला गीला कहलाता है। समझ गए ना भाई? हाँ। और एक होती है अराइस, एक पद्धति कौन सी होती है? अराइस। हाँ, ये सूखी हुई दीवार के ऊपर, सूखी हुई दीवार के ऊपर अगर कोई चित्र बनाते हैं तो वो अराइस पद्धति कहलाती है। क्या कहलाती है भाई? अराइस पद्धति कहलाती है। चलो चलिए भाई, अब देखिए अब अपन नया चैप्टर चालू करेंगे भाई, आभूषण। क्या बोलो? आभूषण। ठीक है ना भाई? हाँ आभूषण। क्या पढ़ेंगे भाई? आभूषण। तो ध्यान दो भाई, देखो आभूषण सबसे पहले सिर के, किसके आभूषण पढ़ेंगे भाई? सिर के। तो ध्यान दीजिए भाई, सिर में क्या बोलो? सिर में मांग, टीका, बोरला, रखड़ी, टीडी भलको। अरे मांग टीका बोलना रखड़ी टीडी भलको, साकली, मेमंद,
तो ध्यान दीजिए भाई, मांग टीका बोला रखड़ी टीडी भलको साकड़ी और मेमंद, ये सब कहाँ के आभूषण है बोलो, सिर के। कहाँ के आभूषण है, सिर के आभूषण है भाई ये सारे के सारे। ठीक है भाई, ओके। अब देखो ध्यान दो भाई, अच्छा देखिए भाई ध्यान दो, इसके बाद ध्यान दो, सिर के बाद देखो भाई कान, क्या चीज बोलो, कान। तो कान में देखो भाई कनौती, कुंडल, ओगनिया, कनौती कुंडल ओगनिया, सुरलिया, टोटी, क्या चीज भाई टोटी, देखो वैसे लॉन्ग भी पहनते हैं कान में, बाड़ी भी पहनते हैं, ठीक है ना भाई, झुमका भी पहनते हैं। चलो दोबारा देखो, कान में देखो कनौती, कुंडल, ओगनिया, सुरलिया, टोटी, लॉन्ग, बाड़ी, झुमका। अब देखिए भाई ध्यान दीजिए, तो सिर का फिर देखिए भाई कान के बाद ध्यान तो देखो क्या आएगा बोलो भाई, नाक में देख लो भाई, तो नाक में देखिए भाई ध्यान दो, नथ। अच्छा नाक में बाड़ी भी आती है, लौंग भी आती है, कांटा भी आता है, तो ये ध्यान दो, ये लौंग और बाड़ी इसमें भी आते हैं, इसमें भी आती है भाई, हाँ पहनते हैं लोग बा, तो नत, बाड़ी, लौंग, काटा, चौंप, क्या भाई चौंप भी आता है आभूषण, नाक में नत, बाड़ी, लौंग, काटा और चौंप। अच्छा अब इसके बाद में देखिए भाई, ध्यान दीजिए देखो नाक के बाद में ध्यान दो भाई, देखो क्या आएगा बोलो, दांत, क्या आएगा बोलो दांत, तो दांत में रखन और चोंप, रखन और क्या आएगा बोलो, चोंप आएगा भाई, हाँ। तो दोबारा देखो, सिर में मांग टीका बोला रखड़ी टीडी फलको सांकड़ी और मेमंद, कान में कनौती कुंडल ओगनिया सुरलिया टोटी लौंग बाड़ी झुमका, नाक में देखिए नथ बाड़ी लौंग काटा चौंक, दांत में रखन और क्या आएगा बोलो, चोंप आएगा भाई, क्या आएगा चोंप। तो ध्यान रखना चोंप तो दांत का होता है और चोंप नाक का होता है, ये अलग अलग है, इस चीज का ध्यान रखना आपको। दोबारा एक बार दोबारा देखो, सिर में मांग टीका बोला रखड़ी टीडी भलको सांकड़ी और मेमंद हो गया, कान में कनौती कुंडल ओगनिया सुरलिया टोंटी लौंग बाड़ी झुमका, नाक नथ बाड़ी लौंग काटा चौंप, दांत में देखो भाई रखन और क्या आएगा बोलो, चोंप आ जाएगा भाई। फिर देखो गला, क्या चीज भाई गले, गले में ध्यान दो रानी हार, अरे गले में क्या आएगा बोलो, रानी हार, मंगलसूत्र, टेवटी, टेवटी रानी हार, मंगलसूत्र, टेवटी, कोई बड़ नहीं समझ में आता मैं बोल रहा हूं, टेवटी, टेवटी, हसली, चंपाकली, चंपाकली, हालरो, झालरो, तिमणिया, तिमणिया के बाद दलफटियो,
मांडलिया खुंगाली हमेल आड़ दोबारा देखो रानी हार मंगलसूत्र टेवटी हसली चंपाकली हालरो झालरो झालरो हाँ तिमणिया गलफटियो मांदलिया खूंगाली खूंगाली भाई ये हमेल और आड़ दोबारा देखो गले में क्या क्या है रानी हार मंगलसूत्र टेवटी हासली चंपाकली हालरो झालरो तिमणिया मांदलिया खुंगाली और हमेल अच्छा अब देखिए भाई ध्यान दो आगे देखो गले गले के बाद क्या आएगा भाई हाथ की बाजू क्या जाएगा बोलो हाथ की बाजू में देखो बाजू बंद है क्या जाएगा भाई हाथ की बाजू में देखो बाजू बंद है टड्डा अणत बल्लिया बड़ा होता है जिसको गांव में बड़ा बोलते हैं बल्लिया बोलते हैं भाई हाँ तो देखिए भाई हाथ की बाजू में बाजू बंद टड्डा अणत और बल्लिया बड़ा बल्लिया का आभूषण है हाथ की बाजू का हाथ की बाजू है भाई बापू मत कर लेना कोई देखिए भाई हाथ की बाजू में बाजूबंद टड्डा अड़त और बल्लिया फिर देखो भाई हाथ की कलाई देखिए भाई हाथ की कलाई में अपन क्या क्या पहनते हैं ध्यान दो भाई पोंच बंगड़ी गोखरू पाटला कड़ा हाँ पोंच बंगड़ी गोखरू पाटला और कड़ा फिर देखें भाई हाथ की अंगुली में अंगूठी बीटी छल्ला मुंदड़ी अंगूठी बीटी छल्ला मुंदड़ी बताओ भाई अंगूठी बीटी छल्ला मुंदड़ी कहाँ का आभूषण है बताओ भाई हाथ की अंगुली का आभूषण है अरे कहाँ का आभूषण है हाथ की अंगुली का आभूषण है भाई अंगूठी बीटी छल्ला और मुंदड़ी हाँ दामना भी कर लो भाई तो अंगूठी बीटी छल्ला मुंदड़ी दामना का आभूषण है हाथ की अंगुली का आभूषण है भाई अच्छा फिर देखो भाई कमर कमर में देखो क्या क्या पहनते हैं कमर में कणकती तंगड़ी सटका कंडोर अरे कमर में कणकती तंगड़ी सटका और कंडोर बोलो कहाँ का आभूषण है कमर का आभूषण है भाई हाँ कणक तंगड़ी सटका कंडोर कहाँ का आभूषण है बोलो कमर का फिर देखो कमर के बाद में ध्यान दो भाई आप लोग आ जाइए देखिए पैर में ध्यान दो जोधपुरी जोड़ क्या क्या पहनते हैं जोधपुरी जोड़ टनका नेवरी जोधपुरी जोड़ टनका नेवरी आंवला पायजेब
पाजेब, तो ध्यान दो जोधपुर जोर तड़का नेवरी आंवला और पाजेब सब का क्या आभूषण है भाई, पैर के, पैर में कड़ा भी पहनते हैं, क्या पहनते हैं कड़ा, हाथ पे भी पहनते हैं, पैर में भी पहनते हैं कड़ा, हाँ पैर के बाद पैर की अंगुली, पैर की अंगुली, पैर की अंगुली में चिटकी, चिटकी चिटकी, अरे दिख नहीं रहा क्या, देखो पैर की अंगुली में ध्यान दो भाई चिटकी और बिछिया, पैर की अंगुली में चिटकी बिछिया और फोलरी, फोलरी फोलरू का आभूषण है भाई पैर की अंगुली का। एक बार दोबारा देखो यहाँ पे हाथ की बाजू में बाजूबंद टड्डा अणत बल्ले, बड़ा बल्ले बोलते हैं, हाथ की कलाई में पूंछ बंगड़ी गोखरू, गोखरू पाटला कड़ा, हाथ की अंगुली में अंगूठी बीटी छल्ला मुंदड़ी दामना, कमर में कड़कती तंगड़ी सटका कंडोर, पैर में जोधपुरी जोर तड़का नेवरी आंवला पाजेब, पैर की अंगुली, पैर की अंगुली, पैर की अंगुली में चिटकी, पैर की अंगुली में क्या है चिटकी है बिछिया है फोलरी है, चिटकी बिछिया फोलरी का आभूषण है पैर की अंगुली का आभूषण है, नीचे नहीं दिखा रहा अलग से लिखाना मैं बोल रहा हूँ, पैर की अंगुली में चिटकी बिछिया फोलरी, पैर में जोधपुरी जोड़ लिख लिया, चलो ये हो गया भाई अपना क्या बोलो आभूषण, क्या हो गया भाई आभूषण हो गया, ठीक है ना भाई। हाँ अब देखिए आभूषण के साथ साथ वस्त्र, बोलो भाई क्या ले लो, वस्त्र ले लो भाई, ठीक है। तो देखिए वस्त्र में ध्यान दो, पहली बात तो सुन लो, अब आपको लिखना है मैं जो बोल रहा हूँ वो कुछ चीजें लिखनी है डायरेक्ट। अरे जोधपुरी कोट पैंट, जोधपुरी कोट पैंट को राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा दिया गया है, राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा किसको दिया गया है, जोधपुरी कोट पैंट को दिया गया है भाई। अच्छा फिर देखिए भाई पगड़ी, क्या चीज बोलो पगड़ी, इसको फेटा भी बोलते हैं, पैंचा भी बोलते हैं और साफा भी बोलते हैं, समझ लो ना आप लोग, तो पगड़ी फेटा पैंचा साफा ये सिर को ढकने के काम में आती है, प्रतिष्ठा का सूचक भी माना जाता है, समझ लो ना आप लोग, तो पगड़ी फेटा पैंचा साफा क्या काम आता है सिर को ढकने के लिए और इसे प्रतिष्ठा का सूचक भी माना जाता है। ओके अब देखो जैसे सुनो लहरिए की पगड़ी, कौन सी पगड़ी, लहरिए की पगड़ी कब पहनी जाती है बताओ, श्रावण मास में, कौन से मास में, श्रावण मास में तीज पर, किस पर तीज पर, लिख लेना आप लोग। एक होती है मोटड़े की पगड़ी, कौन सी पगड़ी, मोटड़े की पगड़ी, ये कब पहनी जाती है विवाह के अवसर पर, कब पहनी जाती है विवाह के अवसर पर। एक होती है पचरंगी, पचरंगी पगड़ी कब पहनी जाती है मांगलिक अवसर पर, कब पहनी जाती है मांगलिक अवसर पर, आप जब नोट्स बनाते हो तो उसमें लिख रहना अच्छी तरह है ना भाई, पचरंगी पगड़ी कब पहनी जाती है मांगलिक अवसर पर, क्लियर है। हाँ ठीक है भाई अब देखो एक होती है केसरिया रंग की पगड़ी, कौन सी केसरिया रंग की पगड़ी, ये युद्ध के समय, अरे केसरिया रंग की पगड़ी कब पहनी जाती है युद्ध के समय पहनी जाती है। ओके दोबारा देखो पगड़ी पेटा पेटा सापा सिर को रखने के लिए, लहरे की पगड़ी मोटले की पगड़ी वाह के समय, लहरे की पगड़ी श्रावण मास तीज में, पतरंगी बांगली का स्वरूप पर, केसरिया रंग की पगड़ी युद्ध के समय। फिर सुनो जैसे आपसे पूछते हैं अमरसाई भीमसाई स्वरूपसाई उदयसाई, ये सब मेवाड़ में प्रचलित पगड़ियों के प्रकार है, ये सब मेवाड़ में प्रचलित पगड़ियों की क्या है प्रकार है। दोबारा देखो अमरसाई भीमसाई स्वरूपसाई उदयसाई, ये सब क्या है, ये मेवाड़ में प्रचलित पगड़ियों के प्रकार है। ओके अब देखो भाई
ध्यान दो, देखो कमरबंद या पटका। कमरबंद या पटका, ये है आप लोग लैंग्वेज लिखना, कमरबंद या पटका। ये कमर पर बांधा जाने वाला वस्त्र है। कमरबंद या पटका कहां पर बांधा जाने वाला वस्त्र है? कमर पर बांधा जाने वाला वस्त्र है और इसमें अक्सर तलवार ठूंस ली जाती है, रख ली जाती है, खोस ली जाती है। समझ गए? नहीं, राजा महाराजा मान देते हैं फिर तलवार निकाल देते हैं युद्ध में से। हाँ, तो उसको ही कहते हैं कमरबंद या पटका। कमर पर बांधा जाने वस्त्र है, इसमें पराई क्या रख ली जाती है? तलवार। अंगरखी, कौन सा रखी? अंगरखी, बहुत इंपॉर्टेंट है अंगरखी। अब आप ये याद रखना, अंगरखी ग्रामीण भाषा में क्या कहते हैं? भुगतरी। लिखना अपने नोट्स में, आप क्या लिखना है? अंगरखी। एग्जाम इतना आ जाता है, अंगरखी ग्रामीण भाषा में क्या कहते हैं? भुगतरी कहते हैं। क्या कहते हैं? भुगतरी। हाँ, अंगरखी ग्रामीण भाषा में भुगतरी कहा जाता है। और ध्यान दो, इसको शरीर के ऊपरी भाग पर पहना जाता है। बोलो भाई, कहाँ पहना जाता है? शरीर के ऊपरी भाग पर पहना जाता है अंगरखी को। कहाँ पहना जाता है भाई? शरीर के ऊपरी भाग पर पहना जाता है अंगरखी भुगतरी को। फिर देखिए, ध्यान दो, सुग्गा या चोगा। सुग्गा या चोगा, ये भी देखो अंगरखी के स्थान पर पहने जाने वाला वस्त्र है भाई। ये भी एक तरह से अंगरखी स्थान है, कमर पर ही मतलब शरीर के ऊपरी भाग पहना जाता है इसको भी। समझ रहे ना आप लोग? तो चुग्गा और चोगा, ये भी कमर पर और सॉरी शरीर के ऊपरी भाग पर पहना जाता है अंगरखी के स्थान पर, यानी अंगरखी का ही उत्तर रूप होता है ये। किसका उत्तर रूप होता है भाई? अंगरखी का ही उत्तर रूप होता है चुग्गा या चोगा। फिर देखो बिरचेस, क्या चीज भाई? बिरचेस या बिरजेस, देखिए ये जो है चूड़ीदार पायजामा को ब्रिजेस एंड ब्रिजेस कहा जाता है। चूड़ीदार पायजामा होता है ना, उसको बोलते हैं ब्रिजेस एंड ब्रिजेस। क्लियर वही लाइन है? हाँ, ओके। फिर देखो भाई, बाकी तो आप लोग जानते हो, पैंट शर्ट कहाँ पहना जाता है, धोती कहाँ बांधी जाती है, जानते हो ना आप लोग? ये तो बनाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए भाई, ध्यान दो, जैसे आपसे पूछा जाए कटकी, बोलो क्या पूछा जाए? कटकी, तो आप लोग क्या आंसर दोगे? कटकी में आदिवासियों में अविवाहित लड़कियों की, लिखना आप लोग अलग से, आदिवासियों में अविवाहित लड़कियों की ओढ़नी को कटकी कहते हैं। ओके ओके। खूसनी, क्या चीज भाई? खूसनी, कंजर जाति की महिलाओं की कमर पर बांधे जाने वाले वस्त्र को खूंसनी कहते हैं। कंजर जाति की महिलाओं की कमर पर बांधे जाने वाले वस्त्र को क्या कहते हैं? खूंसनी कहते हैं। फिर ध्यान दो भाई, कच्छाबू, क्या चीज भाई? कच्छाबू, भीलों की महिलाओं के, भीलों की आदिवासियों के, भीलों की स्पेशल भीलों के लिए, भीलों की महिलाओं के अधोवस्त्र को कच्छाबू कहते हैं, घाघरा उसको बोलते हैं। तो भीलों की महिलाओं के दोस्तों को क्या कहते हैं? कच्छाबू कहते हैं भाई। फिर देखो अलग से, ताराभात की ओढ़नी, अरे ताराभात की ओढ़नी, लहरभात की ओढ़नी, जवारभात की ओढ़नी, केरीभात की ओढ़नी। तो ताराभात की ओढ़नी, लहरभात की ओढ़नी, जवारभात की ओढ़नी, केरीभात की ओढ़नी, ये सब की सब क्या है बोलो? ये सब आदिवासी महिलाओं के, आदिवासी महिलाओं के वस्त्र है भाई। आदिवासी महिलाओं के प्रमुख वस्त्र है। कुल मिला के बात यह है, ताराबाद की ओढ़नी चाहिए कोई सी पूछ ले, लहर की पूछ ले, ज्वार की पूछ ले, केरी पूछ ले, किसका वस्त्र है? आदिवासी महिलाओं के प्रमुख वस्त्र है। ओके,
अच्छा देखिए भाई, ओढ़नी क्या चीज बोलो, ओढ़नी ये भी महिलाओं का प्रमुख अस्त्र है भाई, समझ रहे ना आप लोग, ओढ़नी समझ रहे ना, हाँ ओढ़नी। फिर देखो इस तरह से, सुनो इस तरह से क्या होता है आप लोग, लहरिया बोलो क्या होता है, लहरिया, लहरे को समकोण पर काट दिया जाता है तो वो क्या बढ़ जाता है, मोठड़ा बढ़ जाता है, क्या बढ़ जाता है, मोठड़ा। लहरिये को समकोण पर काट दिया जाता है तो क्या कहलाता है, मोठड़ा कहलाता है। अब आपसे एग्जाम में से पूछ लिया जाए उदाहरण के लिए, मोठड़ा किसका प्रकार होता है, अब पगड़ी भी डाल दे और ये ओढ़नी भी डाल दे, तो आप लोग पहली प्राथमिकता क्या दोगे कि मोठड़ा ओढ़नी का प्रकार होता है। क्लियर है लाइन, चलो अब ऐसे अलग से देख लो, पीला पोमचा, कौन सा पोमचा, पीला पोमचा, अरे पीला पोमचा किसका प्रमुख वस्त्र है, जाट महिलाओं का, किसका है, जाट महिलाओं का है पीला पोमचा, और बच्चे के जन्म पर पहना जाता है, तो जलवा पूजन होता है ना, कुआ पूजन बच्चे का, तो पीला वस्त्र पहन के जाती है महिलाएं, समझ रहे ना आप लोग, हाँ। और बुर्का मुस्लिम औरतों का पहना हुआ है, बुर्का किसका पहना हुआ है, मुस्लिम औरतों का पहना हुआ है, ठीक है भाई, ओके बाकी कल पढ़ेंगे भाई, ठीक है, ओके।